नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। बस्ती जिला पूरे प्रदेश में अजूबे शौचालय के नाम से जाना जा रहा है। एक बार फिर एक ही छत के नीचे दो टॉयलेट बनाने से ये जिला फिर से सुर्खियों में आ गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कैसी इंजीनियरिंग, बस्ती में बेपर्दा शौचालय बनाकर फजीहत, जिले में बेपर्दा शौचालयों का अंबार, अधिकारियों के नायाब और अनोखे तरीके। पहले बनाया बेपर्दा दो दो सीट वाला शौचालय, अब दो नहीं पूरे चार सीट वाला शौचालय। यूपी सरकार के काबिल अफसर और कर्मचारी कितने नायाब और कितने अनोखे हैं, इसको देखना हो तो आप यूपी के बस्ती जिले में चले जाइए, जहां पर सामुदायिक शौचालय के नाम पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जगह ऐसे सामुदायिक शौचालय बना दिए गए कि जो भी देख ले वो अपना माथा पीट ले। दरअसल कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला उस समय सुर्खियों में आया था, जब कुदरहा ब्लॉक के गौरा धुंधा में एक ही छत के नीचे दो टॉयलेट बनाने के बाद किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और आनन फानन में शौचालय को ठीक कराया गया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद रुधौली तहसील के धनसा गांव का शौचालय सुर्खियों में आ गया। यहां पर तो जिला पंचायत राज के अफसरों ने हद ही कर दी। एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी इंजीनियरिंग का नायाब कारनामा दिखा दिया और एक ही छत के नीचे चार टॉयलेट लगा दी गई। और जब ये खबर आम हुई तो आनन फानन में टॉयलेट को तोड़कर किसी तरह मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन एक बार फिर से बस्ती जिले का सामुदायिक शौचालय सुर्खियों में आ गया है। इस बार बहादुरपुर ब्लॉक के नौली गांव में जिला पंचायत राज के अधिकारियों के इंजीनियरिंग का मुजस्मा फिर से सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा है। यहां पर भी एक ही छत के नीचे दो शौचालय लगाकर अधिकारियों ने अपने ज्ञान की गंगा बहा दी है। तो वही इस पूरे मामले पर जब हमने खंड विकास अधिकारी सुनील आर्या से बात की तो उन्होंने पूरी घटना से अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि इसकी जांच करवा लूंगा और जो भी सेक्रेटरी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगा। चलिए देखते हैं, संज्ञान मेरे आया है, मैं जाकर के आज अभी देख ले रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको ठीक करवाते हैं और देखते हैं संबंधित सचिव कौन था, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या उसमें टाइल किस तरीके से टूटी, कैसे टूटी, हाँ इसका भी गहन परीक्षण हम कराते हैं। अपने साथ रेडियो पंचायत को भी लेकर के जा रहा हूँ। खैर, लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि इस तरह की टॉयलेट को किस तरह प्रयोग किया जाए और ये कॉमन टॉयलेट अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।